नमस्कार, आज हम बनाएंगे काली मिर्च पनीर वाइट ग्रेवी में। क्रीमी ग्रेवी, सॉफ्ट पनीर, मसाले बहुत कम और स्वाद लाजवाब। पनीर में कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं तो इसे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। ये 200 ग्राम का पनीर का एक पैकेट ले लिया, इसे काट लेते हैं। अब इसके लिए मैरिनेशन बनाएंगे। 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये इसको अच्छे से बाइंड करेगी, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, इसको क्रश करके ले लेंगे, और ये 1 छोटी चम्मच हरे धनिया की डंडी होती है, उन्हें बारीक काट कर ले लिया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, एकदम दरदरी कुटी हुई है, पाउडर नहीं लेना है, और ये 2 छोटी इलायची दरदरी कुटी हुई, सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, मिक्स कर देते हैं। अब ये पनीर के टुकड़े इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले पनीर के अंदर समा जाएंगे। पनीर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, ये मैरिनेट हो गया है, तो इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। पैन में 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये पनीर के पीसेस कढ़ाई में सिकने के लिए लगा देते हैं, फ्लेम धीमी रखेंगे, और इस बचे हुए मैरिनेट मिक्स को अलग रख देते हैं। हाँ, ये नीचे से हल्के से सिक जाए, इन्हें पलट देते हैं, ये चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये पनीर चारों ओर से हल्के गुलाबी सिक गए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ग्रेवी की तैयारी करते हैं। 1/4 कप काजू, 1 घंटे पानी में भीगे हुए ग्रेवी बना रहे हैं तो टूटे हुए काजू ले सकते हैं। पानी हटा दिया और ये काजू जार में डाल। ये 1/4 कप खरबूजे के बीज पानी में भिगो दिए थे 1 घंटे के लिए, इनको भी इसी में डाल देंगे। 2 हरे मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर ले लिया है। इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, और एकदम बारीक पीस लेंगे। और देखिए, ये एकदम बारीक पेस्ट बन गया। इसे पीसने में हमने 6 टेबलस्पून पानी का यूज किया है। और अब इसी पैन में ग्रेवी बनाते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून बटर, 1/4 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च और 2 इलायची दरदरी कुटी हुई। 2 इलायची हमने मैरिनेशन में डाली थी और 2 इलायची ग्रेवी के लिए। बस हल्का सा भूनना है। और अब काजू और बीजों का पेस्ट, जार में थोड़ा पानी डाल के पेस्ट निकाल लेते हैं, और ये जो मैरिनेशन के बाद मसाले बच गए थे वो भी इसी में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमारी ग्रेवी। अब इसे भूनेंगे। ये मसाले आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ही भूने, बहुत जल्दी भुन जाते हैं और चिपकते नहीं हैं। इससे ऑयल अलग होने लगे, ये भुन चुके हैं अच्छे तरीके से, फ्लेम को एकदम धीमा कर दिया। ये 1/2 कप दही मिक्सर में फेंटा हुआ, फेंटना बहुत ज़रूरी है, इससे ग्रेवी एकदम स्मूथ बनती है। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। अब मैं ये दही डाल देती हूँ और इसको लगातार चलाते रहती हूँ। फ्लेम को धीमा ऑन कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें फिर से उबाल नहीं आ जाता। दही से इस ग्रेवी में खट्टा टेस्ट आएगा, ये वाइट ग्रेवी है, सारी चीज़ें वाइट डालेंगे। तो इसमें फिर से उबाल आ गया है, अब इसे छोड़ सकते हैं हम। ये 1/4 कप क्रीम, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है इससे। 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वादानुसार, और ये 1 छोटी चम्मच चीनी हल्के से मिठास के लिए। थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ग्रेवी, 1/4 कप पानी डाल देते हैं।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी और होती है। तो ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें ये पनीर डाल देंगे, मिक्स कर देते हैं हल्के हाथ से, 2 मिनट से ढककर कुक कर लेते हैं। इसे 2 मिनट कुक कर लिया और ये देखिए पूरा ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ रहा है। बन चुकी है सब्जी, बहुत अच्छी महक आ रही है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे निकालते हैं। गार्निशिंग के लिए कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। पनीर काली मिर्च बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी बना है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इसे बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस 3 बातों का ध्यान रखना है। जब आप पनीर को सेक रहे हैं तो फ्लेम को लो मीडियम रखें, उसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें, हल्का सा ब्राउन कलर में सेकना है। दही को फेंट कर लें और डालते समय फ्लेम को एकदम धीमा कर दें। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है और इतनी करीब परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।